नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दरभंगा के केवटी में नहीं थम रहा है तनाव, आज फिर मचा था बवाल। तो वहीं आपको बताते चले कि केवटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक आरजेडी से निष्कासित होने के बाद आज जेडीयू का दामन थामने के लिए पटना पहुंचे थे। वहीं केवटी विधायक फराज फातमी पटना पहुंचकर सर्वप्रथम पार्टी की सदस्यता ली, उसके बाद केवटी के बरही में चल रहे सांप्रदायिक तनाव को लेकर केवटी विधायक खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर बरही की स्थिति से अवगत करवाया। केवटी विधायक फराज फातमी का कहना है कि मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लिया और प्रशासन को मामले पर सख्त नज़र रखने का आदेश दिया है। वहीं केवटी के विधायक फराज फातमी ने स्थानीय लोगों से गुजारिश की है कि इस आपसी भाईचारे का सबूत देते हुए माहौल को शांतिपूर्ण रखें और प्रशासन के साथ सहयोग करें। देखिए, 3-4 दिन से ये मामला चल रहा है, परसों भी एक मामला आया था सामने, तो मैं तो लगातार संपर्क में हूँ DM साहब से भी, SP एंड DSP दरभंगा से। आज भी मामला कुछ हुआ वहाँ पे और मामला थोड़ा बढ़ गया था, उसके बावजूद भी आज तो दरअसल मेरे साथ थोड़ी परेशानी थी कि मैं पटना आया हुआ था पार्टी ज्वाइन करने, लेकिन उसके बावजूद भी मैं लगातार संपर्क में था। एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है, लेकिन आज मैं खुद मुख्यमंत्री जी के पास गया था, उनसे मुलाकात हुई और उनको मैंने सारा चीज़ समझाया बताया भी विवरण की क्या हालात है वहाँ के। उन्होंने फौरन इंस्ट्रक्शन दिया DGP को भी, चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को भी। यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सारी खबर है, जानकारी है। मैं तो एक ही अपील करूँगा आपसे कि जितना जो भी मदद हो सकती है एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, निश्चित रूप से करेगी, उनका समर्थन दीजिए और उनकी मदद कीजिए। जो भी पीसफुल किसी तरीके से, मैं चाहता हूँ वहाँ पे अमन चैन हो, सभी हिंदू मुस्लिम भाई बैठ करके इसका सोल्यूशन निकाले ताकि आने वाले कल से ऐसा मामला नहीं।